हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड फेस्टिवल। तो हम आपके लिए वैसे भी नए नए वीडियो लाते रहते हैं, तो आज की वीडियो भी खास है। आप देखें, ज़रूर पूरी वीडियो देखें हमारी, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है बर्ड फेस्टिवल। तो आज हम बात करेंगे लव बर्ड्स और ग्रीन पैरेट रिंग नेक की, कि इन दोनों का क्या फ़र्क है और ज़्यादा क्या पालना चाहिए। भाई कमर्शियल के हिसाब से तो मेरा मशवरा अभी भी यही है लोगों के लिए कि भाई लव बर्ड्स पालें, और अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो ग्रीन पैरेट भी पाल सकते हैं। इसके लिए ग्रीन पैरेट थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा है, और लव बर्ड जो है ना वो लोग फिर भी ले लेते हैं, पट्टे से स्टार्ट करते हैं काम तो वो ले लेते हैं। ग्रीन पैरेट जो है ना वो थोड़ा महंगा है, मगर आपको दोनों की खसूसियत बता देते हैं। जैसे जो है ना वो ग्रीन पैरेट है ना, उसकी एज जो है ना वो 50 साल तक जिंदा रह सकता है माशाल्लाह। तो वो ग्रीन पैरेट जो है वो तकरीबन लोग जो है ना वो, जैसे घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप ला के रख दो तो वो बुज़ुर्ग का टाइम पास होता रहेगा। उसको दिन में 1 से 2 दफ़ा पानी देना है। अगर सिंगल पीस भी होगा तो भी ग्रीन पैरेट का मसला नहीं है, वो अच्छा खासा टाइम दे सकता है। लव बर्ड का ये है कि भाई लव बर्ड जो है ना वो आपको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या शौक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और माशाल्लाह ये बिकता है तो अच्छी प्राइस है। लोग जो है ना खूबसूरत होता है तो लोग ले भी लेते हैं। तो लव बर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ग्रीन पैरेट रख सकते हैं उस हिसाब से लव बर्ड नहीं रख सकते। लव बर्ड का हमने आपको बता दिया था कि लव बर्ड जो है ना वो अफ्रीकन पैरेट है, और जो ग्रीन पैरेट है वो भी अफ्रीकन ही है, लेकिन तकरीबन लोग बोलते हैं ग्रीन पैरेट जो है ना वो इंडिया का पैरेट है, और जो है ना वो हमारे यहाँ भावलपुर है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। और लव बर्ड का मैंने आपको बता दिया था कि लव बर्ड भी जो है ना 8 से 10 साल तक उसकी एज है, बकाया 5 से 6 इंच तक का लव बर्ड होता है, और वज़न भी हमने बता दिया था। बकाया मैंने बताया लव बर्ड जो है ना वो 2 से 6 अंडे देता है, और ग्रीन पैरेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंडे देता है या 4 अंडे देता है बस। और उसका भी यही टाइम है, 18 से 22 दिन में ग्रीन पैरेट भी जो है ना वो बच्चे अपना दे देता है, और 4 हफ्ते में वो अपने 4 से 6 हफ्ते में बच्चे निकाल देता है। और लव बर्ड जो है वो 8 हफ्ते तक बच्चे निकालते हैं, 8 हफ्ते के बाद उनके बच्चे निकलते हैं। इसके अलावा दोनों का सेम ही है कि दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए, केज के बॉक्स का क्या साइज़ होना चाहिए। बाकी भाई मेरा मशवरा तो यही है कि ज़्यादातर आप जो है ना वो लव बर्ड रखें। लव बर्ड की आजकल मार्केट में डिमांड भी है, और लव बर्ड आपको आगे अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। ग्रीन पैरेट जो है ना वो थोड़ा सा अभी बैठ गया। आज छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि ग्रीन पैरेट रखना चाहिए या लव बर्ड रखना चाहिए। मैं तभी बोलूँगा भाई लव बर्ड रखना चाहिए, लव बर्ड रखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।